हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M40 के बारे में। तो ये स्मार्टफोन वाईफाई सर्टिफिकेशन पे लीक हो चुका है और इसके साथ इस वीडियो में मैं एंड में आपको गिव अवे की जो चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और पूरे इस वीडियो को देखना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और मेरा नाम है विनय चारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विनचारी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सैमसंग कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है, ए सीरीज़ के, एम सीरीज़ के। तो ऐसे में जैसे उन्होंने पिछले ही महीने में M10, M20, M30 लॉन्च किया था, तो अभी ऐसे में M40 जो है वो पूरा लीक हो चुका है। तो ये वाईफाई सर्टिफिकेशन पर जो है वो पास हो चुका है। तो ऐसे में इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है वो है M30 की तरह 6.4 इंचज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो ऐसे में डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर आपको M30 वाला ही चिपसेट देखने को मिलेगा जो होगा एक्सिनोस 7904। तो प्रोसेसर भी कमाल का होने वाला है इस स्मार्टफोन में। और अगर मैं बात करूँ कैमरा की तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला कैमरा होगा वो होगा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा होगा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और तीसरा होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो ऐसे में तीन कैमरा जो है पीछे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम आते सामने तो वहाँ पर आपको एक 25 मेगापिक्सल की सेल्फी जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ में इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई का सपोर्ट मिलेगा और कंपनी का खुद का वन यू आई देखने को मिलेगा। और ये बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है या फिर 5000 mAh की देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कंफर्म नहीं है। और इसके साथ ये जो स्मार्टफोन है वो आपको देखने को मिलेगा दो वेरिएंट में, शायद से एक होगा 4GB RAM 64GB स्टोरेज और दूसरा होगा 6GB RAM 128GB स्टोरेज। तो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की तो यहाँ पर आपको सेम M30 की तरह डिज़ाइन जो है स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बहुत ही कमाल का होगा ये स्मार्टफोन। और अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो ये होगा 20,000 के आसपास की रेंज में, क्योंकि आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है और बहुत ही बढ़िया है। तो देखते हैं कि कब लॉन्च होता है और क्या क्या और स्पेसिफिकेशन फीचर्स इसके बाहर आते हैं। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा एक महीने के अंदर, यानी कि अगले एक महीने के अंदर। तो जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद ही ये इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि समझो अप्रैल है, अभी मई में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा ये लॉन्च। तो इस स्मार्टफोन के बारे में आप क्या सोचते मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट्स में। और हाँ, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको अभी गिव अवे की चीज़ें बताऊंगा। तो ऐसे में हमारे चैनल पर अभी गिव अवे चल रहा है, तो उसका लिंक मैं अभी यहाँ पर ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूंगा। तो उस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, अभी तो सिर्फ 12 ही कमेंट हो चुके हैं। तो जल्दी से उस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी बहुत ज़्यादा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो आपके चांसेस जीतने के बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ एक विनर होगा, तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ एक विनर। तो वो कोई भी हो सकता है, मैं रैंडमली कमेंट पिक करूंगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को भी लाइक करना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आया होगा, आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।